धमकी देता है सरकारी कार्य में बाधा डाल के फंसाने का, तो लगले उसको भी धमका दीजिए कि अगर तुम 300 लगाएगा हम भी तुम पर 499 500 एक ठोकेगा। भैया भैया एक बार बताइए, हम वहाँ मधेपुरा में वीडियो देखे, वहाँ से दौड़े हुए आए, लेकिन यहाँ के लोकल नेताओं का नींद क्यों नहीं खुल रहा है? नेता लोग वोट थोड़ी है, चुनाव थोड़ी है, जब वोट पड़ेगा चुनाव होगा तो वो मेढक की तरह बरसाती मेढक की तरह गिटर गिटर करके निकलेंगे। नेताओं का तो वैसे भी जमीन मरा हुआ है। ये थप्पड़ लगा है तिरंगे किसान को, ये थप्पड़ लगा है तिरंगे किसान को, भारत के स्वाभिमान को। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिहारी में। आप लोगों को पता होगा यहां पे एक आर्मी के जवान को रक्सौल में दौड़ा दौड़ा के बिहार पुलिस के द्वारा पीटा गया था। आज उसी के विरोध में यहां पे 6 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन भूतपूर्व सैनिक यहां पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार यहां जेल में अभी तक डाल के रखा है। आइए इसी विषय पर हम बात करते हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट से, जानते हैं इस विषय में। भैया क्या कहना चाहेंगे आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा के रोड पे जो मारा है बिहार पुलिस विषय पर, क्या कहना चाहेंगे? रुक जाइए ना, वो जाने दीजिए, सबको टाइम है जिसमें आर्मी मैन को गिरफ्तार किया जाता है। आप लोग जानिए इस चीज को, कौन ऐसा तरीका है, कौन ऐसा सिचुएशन जिसमें गिरफ्तारी होगा? तो पहला, अगर आर्मी का जवान रेप करता है बलात्कार तो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, अगर आर्मी का जवान किसी की हत्या करता है तो उसकी गिरफ्तारी होगी, या कि आर्मी का जवान किसी को मारा है और 3 दिन बाद 2 दिन बाद अगर वह मर जाता है तो उस कंडीशन में उसकी गिरफ्तारी होगी। यही 3 स्थिति है जिसमें आर्मी के जवान को गिरफ्तार करते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर वह गुनाह करता है तो पुलिस मैन को उसको छूने का भी अधिकार नहीं है। आप उनको पकड़िए, थाना पर ससम्मान बैठाइए, उनके यूनिट को खबर करिए, उनका CEO आएगा, उनका आज का अलग कोर्ट लगता है और उससे भी अधिक सजा उस जवान को दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है आप उस नौजवान को, भैया आप अगर ना नियम जानते हैं कानून जानते हैं, एक एक धारवा है धारा 353, कोई अगर सवाल पूछ दिया तो धारा 353 लगा दिए, तो भैया हमारी वो नहीं है कि धारा 353 लगाइएगा तो चुप रहेंगे। अगर आपके पास अधिकार, मैडम आपके पास अधिकार है धारा 353 लगाने का, हम आम आदमी के पास भी अधिकार है धारा 499 500 501 ठोकने का, तो हम लोग भी अब अपने अधिकार को जानते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के नौजवानों को बताना चाहते हैं, पूरे सामाजिक कार्यकर्ता को बताना चाहते हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर आपको धमकी देता है सरकारी कार्य में बाधा डाल के फंसाने का, तो लगले उसको भी धमका दीजिए कि अगर तुम 300 धारा 353 लगाएगा हम भी तुम पर 499 500 501 ठोकेगा, तब जाके सही रहेगा, ऐसे चुप रहने से नहीं होगा। नहीं तो इसी तरह जब आम आर्मी के जवान सड़क पर पीटा जा रहा है, आम आदमी का क्या होगा? इन लोगों से अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, बालू माफिया कौन माफिया? होली आने वाली है और नेपाल से तमाम शराब आएगी, और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ इसी मोतिहारी में मैं शराब पकड़ूंगा उसी रक्सौल से। लेकिन वर्दी के रूप में गुंडा जो बैठा है ना, ये शराब माफिया को, शराब तस्कर को नहीं पकड़ पाएगा, ये पकड़ेगा आम आदमी को, आर्मी के जवान को। और अगर आर्मी के जवान उस दिन सठिया गए होते तो इनको मार मार के भजिया बिगाड़ देते, लेकिन उसने वर्दी पहने हुए थे पुलिस वाले, उनका सम्मान किया, वर्दी का सम्मान किया क्या, और उनसे कमजोर थोड़ी थे राधा मोहन जी, नहीं भजिया बिगाड़ देते। बस इतना कहेंगे यार कि देखिए कौन से नियम और कानून ने जो है मारने का हाथ उठाने का अधिकार दे दिया है? अगर उन्होंने गलती किया तो भैया तुम सात सम्मान गिरफ्तार करते, कुर्की जब्ती करते, कानूनी प्रक्रिया करते, तुम्हें मारने का किस अधिकार से मार दिया तुमने उसको? यहाँ के नेता ना मर्द है सब, नहीं तो आके यहाँ बैठते मर्द तो ये लोग हैं, जो ये लोग बैठे हैं, ये लोग हैं यहाँ पर जो आकर बैठे हुए हैं, बाकी लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, उनका सम्मान नेता जो है नेताओं का आर्मी के प्रति है नहीं, बस उनको राजनीति करना आता है। हाँ कोई आर्मी का जवान शहीद हो जाता घड़ियाली आंसू जरूर बहाते ये लोग। सही बात है। एक बात और बताइए भैया कि कब तक ये आर्मी के ऊपर जो इस तरह का अत्याचार होते रहेगा? देखिए जब तक लोग, हम लोग जागरूक तो हैं, लेकिन हम लोग जब तक शिक्षित और पढ़े लिखे नेताओं को नहीं चुनेंगे, और जब तक घूस लेने वाली पुलिस शिक्षित नहीं होगी तब तक। चलिए रवि, आज फिर से बिहार आ गया और पुलिस के वर्दी में कोई रंगदार आ गया, पुलिस के वर्दी में कोई रंगदार आ गया, पूरे अखबार में रक्सौल का बाजार आ गया और पुलिस की वर्दी में कोई रंगदार आ गया, पुलिस की वर्दी में कोई रंगदार आ गया। बिल्कुल, मैं सेना के जवान को एक वर्दी वाला वर्दी का श्रृंगार खा गया, एक वर्दी वाला वर्दी का श्रृंगार खा गया,
और पुलिस वाली की वर्दी में रंगदार आ गया। ये तलाशाई है कब तक चलेगी? वर्दी सम्मान की चीज होती है, चाहे वो पुलिस की हो या सेना की हो। सीने पे गोली खाते जो देश के लिए, जाकर पूछिए देखिए सेना पर क्या होता है। जब ये दरोगा साहब को 8 दिन का राशन पीठ पर लाद कर और जंगलों में बैठा दिया जाएगा, फैक्ट्री खुल जाएगी, फैक्ट्री खुल जाएगी। यहाँ तो बात है, उनके लिए लिखा हूँ, सीने पे खाते गोली जो देश के लिए, जलते लहू की होली जो देश के लिए। भैया एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं हम देश के जवानों के लिए हर वक्त खड़ा रहते हैं, अमित शाह यहाँ पे रैली करके गए लेकिन एक ट्वीट तक भी नहीं आया आर्मी के सपोर्ट में, क्या मतलब? भाई जमीर मर गया। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, गृह मंत्रालय को, कहे कि यार छोटी मोटी बात नहीं है। एक देश का सिपाही जो होता है, जो जवान होता है, वो बॉर्डर पर खड़े होकर देश के लोगों की रक्षा करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अमित शाह, गृह मंत्री, इसके बाद राजनाथ सिंह अगर जिंदा है तो वो किसी और की वजह से नहीं, इन्हीं की वजह से, सेना के जवान की। सेना के जवान को इस तरीके से मारा जाएगा तो कौन से माँ बाप अपने सेना में बेटे को सेना के जवान में भेजेगा, बताइए जरा। इससे तो सब माँ डरने लगी है कि हम अपने बेटे को आर्मी में कैसे भेजें। लोग डर रहे हैं, लोग पत्रकार अपने बाप को, बेटे को नहीं बनाना चाह रहा है कोई बाप, अपने बेटे को कोई जो है आर्मी में नहीं भेजना चाहेगा इस तरीके का, जब तक देश के अंदर लोग मारते रहेंगे। हाँ ठीक है, बॉर्डर पर कोई मारा होता तो ठीक था, वो 56 इंच का सीना लेकर 47 गांड में घुसेड़ का जो है मार देता, लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, तो ये सोचने का विषय है कि क्यों हो रहा है ऐसी घटनाएं। रवि भैया का कहना है, रवि भैया का कहना है कि ये देश के जो है ना नेताओं का जमीर मर गया है, यहाँ पे अगर हम लोग सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जवान अगर बॉर्डर पे दिन रात वहाँ पे ड्यूटी करते हैं तो आज यहाँ के लोग सुरक्षित है, नहीं तो यहाँ पे कब के कब सब मारे गए होते। आज अगर बिहार पुलिस यहाँ पे अपना दादागिरी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ बॉर्डर पे हमारे आर्मी के जवान तैनात हैं इसी वजह से। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।